नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है, भारत को एक नए ग्रामीण केंद्रित विकास मॉडल की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है, उसी से संबंधित है। तो एक सामान्य परिचय देख लेंगे और क्यों पड़ रही है इस पर भी जो पॉइंट है उन्हें भी देखेंगे, और आत्मनिर्भर ग्रामीण मॉडल क्या है, कैसे है, उस पर भी बात करेंगे। गाँव को आत्मनिर्भर बनाने में के उपाय क्या है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो 1993 में जाकर संविधानिक प्रावधान मिला हुआ है पंचायतों को, अगर गांधी जी रहते तो 1950 में ही संविधान में ऐसे जगह मिल जाती, क्योंकि आपने देखा होगा कि गांधी जी पंचायतों के पक्ष में रहते थे और उन्हीं का ही योगदान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि पंचायतें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई हैं। ठीक है, और वैसे भी ये गरीबी हटाओ गांव का विकास करो ग्राम पंचायतों का, ये बहुत पुराना चला आ रहा है। 1947 से ही आजाद हुए तभी से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया ना, तो अभी तक आपकी गरीबी हट पाई। देखते हैं आगे कब तक चलता है। उसी मैटर में आप देखिए कि आपका जो श्रीलंका चाइना है, ये हमसे 2 साल बाद आजाद होता है, 1949 में आजाद होता है, हम 1947 में आजाद हो जाते हैं, यानी कि इससे 2 साल पहले आजाद हो जाते हैं। फिर भी हमारी हकीकत यह है कि हम चाइना से अभी भी कई क्षेत्रों में पीछे हैं। वैसे शायद आप लोग स्वीकार ना करें, शायद अगर आपके अपने नेताओं के प्रति प्रेम है, देशभक्ति, यानी कि देशभक्ति छोड़िए, ये देशभक्ति थोड़ी होती है, ये अंधभक्ति होती है, ये हो सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि चाइना, देखिए GDP के मामले में देख लीजिए, फिर चाहे किसी भी क्षेत्र के मामले में देख लीजिए, आज WHO से अमेरिका हट रहा है, चाइना तुरंत जाकर बैठ जा रहा है, मतलब उसकी औकात इतनी हुई है तभी तो बैठ जा रहा है। और देखिए आपके आस पड़ोसियों को सबको उसने कब्जा कर लिया, लगभग लगभग हर देश में इतना उसने इन्वेस्ट कर दिया कि हर उसके कर्जदार बन गए हर देश। और आप जानते हैं कि अगर आप पर कोई पैसा खर्च करता है तो आप उसके कर्जदार बन जाते हैं, आप आवाज भी नहीं उठा सकते। तो यही हाल चाइना का है। तो हमें देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का कैसी बात चल रही है। परिचय, COVID-19 महामारी ने प्रवासी मजदूरों को के दुख, दर्द और दुर्भाग्य को खुलकर उजागर किया है। कोरोना महामारी ने उनकी संख्या पर प्रमाणिक आंकड़ों की कमी के साथ साथ उनके रहने और काम करने की स्थिति और उनकी आजीविका की संभावना में स्थायी अनिश्चितता को भी केंद्र पर ला दिया है। एक बात हमेशा बोलता आया हूं आप लोगों से, देखिए मानव जनित कोई भी आपदा हो या फिर आपकी कोई प्राकृतिक आपदा हो, इससे प्रभावित गरीब ही होता है। जिसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर है वही व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। और रही बात आपकी मजदूरों की, तो याद रखिए आप शहर की तरफ क्यों जाना पसंद करते हैं, क्योंकि रोजगार की तलाश में, दूसरा शिक्षा की तलाश में और तीसरा स्वास्थ्य की तलाश में बेहतर सुविधाएं हो। अगर आप सोचिए कि आपके गांव में ही अगर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, आपके बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए, तो आप नहीं जाना दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे शहरों में जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका गांव जहाँ है आप वहीं रहना पसंद करेंगे। लेकिन ये स्थिति आप समझते हैं कि बद से बदतर है। स्कूलों की हालत आप देख लीजिए, हॉस्पिटल में जाना लोग पसंद नहीं करते, उससे अच्छा है मरना पसंद करते, सरकारी हॉस्पिटलों की ये हालत है। केंद्र और राज्य सरकारों के भरसक प्रयासों के बावजूद भी लगभग 10 मिलियन से अधिक प्रवासी मजदूरों ने कठिन हालातों में गांव की ओर प्रवास किया है। मजदूरों का यह प्रवासन आर्थिक विकास और शहरीकरण को एक नए प्रतिमान में स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि आर्थिक संकट या सुविधा की कमी के कारण होने वाले प्रवासन कम किया जा सके। COVID-19 को भारत की विकास प्रक्रिया को पुनः प्रायोजित करने और उसके रूपांतरण के लिए एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। सौभाग्य से हमारे पास महात्मा गांधी, दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख जैसे महापुरुषों के सुझाए ग्रामीण विकास के वैकल्पिक मॉडल उपलब्ध हैं। COVID-19 ने निश्चित रूप से इन मॉडलों की प्रासंगिकता को बढ़ा दिया है। एक बात और आप लोग यहाँ समझ लीजिए, आर्टिकल किसी का भी हो, कोई भी आर्टिकल बता रहा हो आपको, सच्चाई इसकी कुछ अलग होती है। और आपको आंसर राइटिंग में हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपको, या फिर इंटरव्यू में कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बैलेंस बना के लिखना है, क्या है?
बैलेंस बना के बताना है, ना तो उसकी बुराइयां लिख देना है और ना ही उसकी अच्छाइयां पूरी पूरी लिख देना है। आपको एक बीच का रास्ता चुनना है, उसी पर चलना है, क्योंकि आप हकीकत जानते हैं कि हकीकत क्या है। अगर आप सोचिए कि पुलिस सुधार पर आपको लिखने आ जाए आंसर, तो आप क्या लिखेंगे? अगर हकीकत लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको एक बीच का रास्ता चुनना है, उसी पर आगे बढ़ जाना है। भारत को ग्रामीण केंद्रित विकास मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यद्यपि भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन अभी भी लगभग 66% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए इस बहुमत आबादी के लिए बुनियादी जरूरतें और आजीविका के अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। भारत के लिए ग्रामीण केंद्रित विकास मॉडल की आवश्यकता को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। गरीबी कम करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार लगभग 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर गरीबी को कम करने का लक्ष्य होना चाहिए। याद रखिए, यहाँ गरीबी में भी डिफरेंस है। आपके यहाँ गरीब उसे माना जाता है जिसके पास एक अच्छा पोषण खाना नहीं मिला है, और अमेरिका में देख लीजिए, उसे गरीब माना जाता है जिसके पास एक कार नहीं है, VIP कार खरीदने की जिसकी औकात नहीं है, उसे गरीब कहा जाता है। दूसरा, आपका रोजगार के अवसरों में वृद्धि। शहरी प्रवासी श्रमिकों के एक सर्वेक्षण में भाग लेने वालों में से 84% ने बताया कि उनके गांव में आजीविका का प्राथमिक स्रोत मजदूरी है। केवल 11% लोगों का ही प्राथमिक स्रोत कृषि उनकी आय है। यह इंगित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कितनी आवश्यकता है, जो सिर्फ कृषि को बढ़ावा देने से पूरी नहीं हो सकती है। इसको कृषि को बढ़ाने से पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी प्रवासन में कमी के लिए। भारत में चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रवासी कामगार आबादी है, और वैसे भी आपने देखा है कि चीन के बाद हमारा ही नंबर आता है जनसंख्या में। कुछ दिन बाद हम चीन को भी पीछे कर लेंगे। प्रवासी सेवकों की कुल संख्या का वर्तमान अनुमान 72 मिलियन से 110 मिलियन तक है। आत्मनिर्भर गांव अकाल, बाढ़, सूखा, जल संकट और भुखमरी जैसे प्रवास उत्पीड़क कारकों को कम करेंगे। याद रखिए, 1 मिलियन में आपका 10 लाख होते हैं। कई लोग पूछते हैं मिलियन, तो याद रखिए, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि 10 लाख को मिलाकर 1 मिलियन। ग्रामीण शहरी विषमता में कमी। लगभग 66% अधिक आबादी भारतीय आबादी गांव में रहती है। बावजूद इसके विकास के लिए शहरी क्षेत्रों की अधिकार निवेश किया जाता है। कमजोर वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे कमजोर वर्गों की अधिकांश आबादी गांव में ही रहती है। आत्मनिर्भर गांव उनके सामाजिक आर्थिक संकेतकों जैसे मातृ मृत्यु दर, साक्षरता दर आदि को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, कुटीर आधारित उद्योगों और वन आधारित उद्योगों की स्थापना और संवर्धन से कृषि में पिछड़ने बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। अधिशेष को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि आदानों के लिए निवेश किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन का समन और अनुकूलन। जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादकता में गिरावट, जल संकट और मरुस्थलीकरण, तटीय भूमि का डूबना, लगातार बाढ़ और सूखा आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचाने की क्षमता रखता है। आत्मनिर्भर गांव किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनाने में भी सक्षम कर सकता है। पर आपका आत्मनिर्भर ग्रामीण मॉडल, गांधी जी का ग्राम स्वराज मॉडल, ग्राम स्वराज या फिर गांव स्वशासन गांधी जी के विचारों में महत्वपूर्ण अवधारणा थी। यह भारत में आर्थिक विकास के उनके दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु था। गांधी जी का स्वराज एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाले गांव की नई स्वतंत्र इकाइयों का गठन था, ना कि गांव का पुरातन तरीके से पुनर्निर्माण। बुनियादी जरूरतों में आत्मनिर्भरता गांधीवादी गांव के पुनर्निर्माण की मूलभूत विशेषताओं में से एक थी। गांधी जी के अनुसार गांव में ही भोजन, कपड़े, शिक्षा और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का उत्पादन किया जाना चाहिए, जिससे लगभग हर सक्षम व्यक्ति को पूर्ण रोजगार मिलेगा।
इससे रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण शहरों शहरी प्रवास को भी रोका जा सकेगा। आप समझ रहे हैं कि गांधी जी का विचार कितना अच्छा था कि सभी सुविधा गांव में ही उपलब्ध करा दी जाए, जिससे उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एपीजे अब्दुल कलाम आप समझते हैं कि आपके वैज्ञानिक भी रहे हैं, और 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें एक सफलता का जो योगदान था इनका भी रहा था, और ये हमारे फिर राष्ट्रपति बने उसके बाद। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज पूरा मॉडल सन 2003 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलाम जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के लिए पूरा मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया। कलाम जी का विजन था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी शहरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, जिसके द्वारा न केवल ग्रामीण इलाकों की आबादी के जीवन स्तर में सुधार आए बल्कि शहरों की तरफ लगातार बढ़ते पलायन पर भी नियंत्रण पाया जा सके। उनकी विचार था कि ग्रामीण भारत को एक क्लस्टर विकास प्रणाली के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए, जहां 50 से 100 गांवों को सामान्य दक्षताओं और पारंपरिक बाजारों के साथ क्षेत्रीय या लंबवत रूप से पूरा परिसरों के रूप में एकीकृत किया जा सके। इन गांवों में चार प्रकार की ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नॉलेज तथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी से जुड़ा जाना चाहिए। पूरा परिसर के अंदर सभी को आय और गुणवत्तापूर्ण जीवन के अवसरों को प्रदान करने का लक्ष्य होना चाहिए, जहां ग्रामीण प्रवास को स्वीकार हो लेकिन ग्रामीण से शहरी प्रवास कम से कम हो। उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए प्रति यूनिट 130 करोड़ रुपए की लागत से 7000 पूरा परिसरों की कल्पना भी की थी। यानी कि सबका यही मतलब था कि हर व्यक्ति को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल जाए, उसे बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। नानाजी देशमुख का सामाजिक कल्याण मॉडल, इन्हें आपने देखा है कि नानाजी देशमुख वही है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। नानाजी देशमुख का आत्मनिर्भर गांव का मॉडल एकात्म मानववाद के मॉडल पर आधारित था, जहां सद्भाव की भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इन्होंने सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने वाली सामूहिक सामाजिक चेतना को अगली पीढ़ी के ग्रामीण विकास के लिए आधारशिला माना। उन्होंने एक योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य हर हाथ को काम और हर खेत में पानी। चित्रकूट परियोजना के अंतर्गत उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 500 से अधिक गांव का पुनर्निर्माण कर एक अमिट छाप छोड़ी और इन्हें आत्मनिर्भर बनाया। चित्रकूट में उनके मॉडल की सफलता केवल शून्य बेरोजगारी या फिर गरीबी कम करने तक ही नहीं रही बल्कि गांव में शून्य आंतरिक कानूनी विवाद और विधवाओं को पुनर्विवाह की आजादी भी मिली इन्हीं के प्रयासों से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी ढांचा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में SPMRM का शुभारंभ किया गया, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ कौशल विकास भी शामिल किया गया। यह मॉडल गांव में सामाजिक स्वास्थ्य और शिक्षा और आर्थिक बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए क्लस्टर विकास डिजाइन का अनुसरण करता है। SPMRM के प्रयोजनों के लिए रूर्बन क्षेत्र में 15 से 20 गांव का एक समूह होगा। एक क्लस्टर भौगोलिक रूप से सन्निहित ग्राम पंचायत होंगे। मैदानी और तटीय क्षेत्रों में जिनकी आबादी लगभग 25,000 से 50,000 और रेगिस्तानी पहाड़ी या फिर जनजातीय क्षेत्रों में आबादी 5,000 से 15,000 होगी। गांव को आत्मनिर्भर बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं उन्हें भी देख लीजिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग, स्थायी कृषि की सुविधा के लिए इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा खेती के तरीकों को इससे एकत्रित किए गए बड़े पैमाने पर और वास्तविक समय के आंकड़ों का वैश्विक मूल और उत्पादन श्रृंखला से मिलाकर किसानों को अधिक लाभदायक विकल्प प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप भी जानते हैं 2022 तक आपने सुना होगा कि किसानों की आय की दुगनी की बात की जा रही। अब देखते हैं ज्यादा टाइम थोड़ी बचा हुआ है, होती है या नहीं होती है। वैसे हमारे देश में ये खामी कह लीजिए, फिर चाहे तुम्हारे देश नेताओं की अच्छाई कह लीजिए, कि जो हम लोग लक्ष्य रहते हैं जिस टाइम का वो कभी पूरा नहीं होता है। लगभग यही देखा गया है अब तक। उद्योगों को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कुटीर आधारित उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सक्रिय सहयोग से ग्रामीण ज्ञान मंच बनाया जा सकता है। निजी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और प्रौद्योगिकी को लाने में सहायक हो सकता है। आत्मनिर्भर ग्राम बॉन्ड विकास मॉडल के इस महत्वाकांक्षी री इंजीनियरिंग के वित्त पोषण के लिए आत्मनिर्भर ग्राम बॉन्डों से संसाधन जुटाए जा सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनिवार्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने के लिए भी इन बॉन्डों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर आपकी ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाना, विधानसभा द्वारा ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें धन कार्य करने की शक्ति और आधिकारिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बॉटम अप विकास प्रक्रिया से भारत की विकास प्रक्रिया में समावेशिता और विविधता लाई जा सकती है। फिर आपका मानव क्षमता विकास, लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के कौशल मानचित्रण से वैश्विक मानकों के अनुसार उनकी क्षमता को विकसित करने में मदद मिलेगी। अब देख लेते हैं एक निष्कर्ष। गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राय में अनेक चुनौतियां हैं, जैसे धन की कमी, अप्रभावी बहुस्तरीय योजना, निजी क्षेत्र में विकास की कमी, कमजोर वित्तीय क्षेत्र, पंचायतों की खराब स्थिति आदि। लेकिन इन चुनौतियां अजय नहीं है, उन्हें पार भी किया जा सकता है। भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने में गाँव का आत्मनिर्भर बनना अहम भूमिका रखता है। इसलिए राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बढ़ाने और सामाजिक पूंजी विकसित करने के लिए स्थानीय और आवश्यकताओं के अनुसार इन मॉडल को शामिल करना चाहिए। तो ये कहानी थी आपके गाँव को विकास यानी कि ग्राम पंचायतों का विकास करने की, ठीक है।